नज़र माशाल्लाह मेरे सरकार पर पड़ी है मेरी। और यहाँ पे बन रहा है लंगर और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पब्लिक आई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं एकदम अंदर की तरफ जा रही हूँ और माशाल्लाह बहुत पब्लिक है। आया हुआ संदल है और बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे भाई ने खजाने की चाबी मेरे सर पे रखी, मेरे बच्चों के हक में दुआ किया और मेरे शौहर के हक में दुआ किया और ये सबसे कीमती चीज़ मेरे हथेली पे रखे। जिस तरीके से आप लोग हमारे हक में दुआ करते हैं इंशाल्लाह हम भी आपके हक में दुआ करेंगे। जजाक अल्लाह खैर। सलमान भाई आप तो हमेशा ही मेरे हक में दुआ करते हो, अल्लाह आपकी दुआ सुने, मेरे गरीब नवाज आपकी दुआ सुने जी। आमीन सुम्मा आमीन। शब का टाइम माशाल्लाह इतने लोग और इतने लोगों में गरीब नवाज से मेरी चाहत बहुत सारे लोगों के दिल में भी दी है और नज़रों में भी दी है और इनका करोड़ों एहसान है मुझ पर। और अभी शब में काफ़ी देर से हम यहाँ बैठे हैं, अभी बजे है रात के 11:30। तो अब मैं जा रही हूँ कोला को लेके खाना खाने के लिए। छठी की शब सबको मुबारक और माशाल्लाह जन्नती दरवाज़ा इतना बेहतरीन सजा है, आँखों को तो इतनी ठंडक लग रही है और माशाल्लाह गरीब नवाज के चाहने वाले इतने आए हैं और उनके दिल में और नज़रों में मेरे लिए भी बहुत मोहब्बत दी है मेरे गरीब नवाज सरकार ने। तो आप सबको शब मुबारक और जन्नती दरवाज़ा देखिए माशाल्लाह। और क्या नसीब कि मैं उठकर बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाई और दुआ शुरू हुई, आज काफ़ी लेट दुआ शुरू हुई है। मैंने खादिम साहब को पूछी क्योंकि इतने सालों से हम आते पर कुछ बारीकियां जो होती है हमें भी नहीं पता होती। तो कल उस्मान हारूनी जो है उनका गुस्ल है और उसी के साथ कल जन्नती दरवाज़ा खुलने वाला है, 2 बजे तक दरवाज़ा खुला रहेगा। तो अल्लाह का हुक्म होगा तो इंशाल्लाह हम भी आएंगे। लेकिन मैं जब मेरी अम्मी ज़िंदा थी तब उस टाइम मैं अपनी अम्मी के साथ अपनी बहनों के साथ अपने बच्चों के साथ माशाल्लाह उस दरवाज़े से काफ़ी बार जा चुकी हूँ। तो जजाक अल्लाह खैर। और गरीब नवाज का बहुत ही अलग और बहुत ही मोहब्बत वाली नज़र रहती है मेरे पर, तो मैं बहुत ज़्यादा हमेशा उस चीज़ों से खुश रहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ें मुझे मालूम पड़ी। और देखिए ये सब जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो यही एक चैनल है जिसके ज़रिए मैं आप वर्ल्ड के कहीं भी हो तो ये बातें जो मुझे पता है मैं आप लोगों को दिल से बताना चाहती हूँ। भले मुझे थोड़ी मालूम है लेकिन थोड़ी से ही बताती तो हूँ। तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपके साथ शेयर करके। तो अल्लाह पाक बस आपको जल्द से जल्द सरकार के इधर आना नसीब करे और हर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में शामिल रहना नसीब करे। आमीन। गरीब नवाज के चाहने वालों की रश तो देखो माशाल्लाह रात के 12 बजे माशाल्लाह। अजमेर में हमारी फेवरेट होटल कायनात, वो इसलिए क्योंकि जो हुसैन भाई है ना वो इज़्ज़त देना जानते हैं और रिस्पेक्ट करना जानते हैं और मैं दिल से उनको भाई बोलती हूँ, तो भाई का फ़र्ज़ भी निभाते हैं और इज़्ज़त भी देते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आती भी हूँ। और आज मैंने अपने दोस्त को भी यहाँ लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने क्या बोली तुमको मेरे भाई की होटल है चलो। तो माशाल्लाह अभी हम रात तक कितना 12:30 बजने आ गए ना बोला, अब खाने को बैठे हम लोग खाना। गुड मॉर्निंग। और आज है ख्वाजा साहब की छट्टी तो आई हूँ फ्रेश होके नाश्ता करने। जस्ट कोई नहीं, बस हम ही हम हैं यहाँ पे। सुबह सुबह जल्दी जल्दी आ गए और जल्दी जल्दी करेंगे नाश्ता, उसके बाद फिर निकलेंगे। पौला को जैसे कि मैं तो हमेशा आते रहती हूँ तो पौला को लेके जाना है मुझे टाटूटी और सरवार। तो माशाल्लाह पौला भी बहुत ज़्यादा खुश है, पौला से तैयार भी हो गई है, मुझे सिर्फ कपड़े पहन के तैयार होना है, नहा धो के फ्रेश हो गए तो कर लेते नाश्ता अच्छी तरह से हम निकलेंगे। माशाल्लाह बोले आखिर में बोले। तो चलो हम नाश्ता सेलेक्ट करते फिर बैठते हैं टेबल पे, इंशाल्लाह फिर लगे तो आपसे थोड़ी बात भी करते हैं। चलो आपको हमारी तरफ से छट्टी शरीफ मुबारक। और कैसा लगा पौला आपको छट्टी में, खास करके जो पब्लिक के बीच में बैठकर लोगों का रिस्पांस कैसा लगा?
अमेजिंग एक्सपीरियंस, इट वॉज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और दिल में इतना सुकून आया, इतना सुकून आया, मुझे तो लगा कि एकदम मेरे सारे प्रॉब्लम्स और सारी चीजें निकल गए। आमीन आमीन आमीन। बस अल्लाह और गरीब नवाज सबको ऐसे ही फील दे। और आपने मुझे जो रात में बोले ना, जब हम रात में वहां पे शब की दुआ में बैठे थे, इतना क्राउड पर अल्लाह जानता है कि मुझे पौला ने क्या बोला। पौला ने ये बोला कि सायरा इतनी पब्लिक के बीच में भी बैठ के ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि बहुत रिलैक्स, ऐसे धक्का मुक्की तकलीफ एकदम हार्ड ऐसे बिल्कुल फील नहीं हुआ। तो मैंने उनको यही बोली कि गरीब नवाज का नाम जो है वो गरीब नवाज इसलिए क्योंकि वो ज्यादा गरीबों से प्यार करते हैं, ज्यादा लोगों से प्यार करते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सब बातें इनको भी बताकर, और आप लोगों के साथ ये नॉर्मल बातें करती हूँ, कोई मैं आपके साथ में कोई स्पीच देने बैठे या फिर कुछ नहीं, बस नॉर्मल, क्योंकि यही चीजों से आपके साथ मेरी एक पहचान बनी, आप लोगों को मैं अच्छी लगी। और जहां भी दुनिया के कोई भी कोने में जाती हूँ, लोग जो मोहब्बत से आते हैं मिलते, क्योंकि ये डॉक्टर है ना, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से लोगों को ऑब्जॉर्व कर सकती है। तो मैंने कल से 10 बार कि ये सवाल के पौला इनको मेरे साथ में ये फोटो खींच के क्या खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये दिल की बात है यार, मैं किसी से कर नहीं पाती हूँ। पौला ने बहुत अच्छे से जवाब दिया मुझे। ये 2 मिनट सेलिब्रिटी के साथ जो इंसान को लगता है कि वो खुद सेलिब्रिटी बन गए, ये कॉमन पर्सन के लिए मुझे लगता है बहुत मायने रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। और मैंने पौला को क्या बोला कि अल्लाह ने और गरीब नवाज ने मुझे उस लायक बनाया कि मैं किसी के एक पल की खुशी के लायक बन सकूं। हाँ। तो आप सबका दिल से शुक्रिया, जजाक अल्लाह। और इनका तो बहुत शुक्रिया होना चाहिए क्योंकि ये डॉक्टर है ना, रात देखते ना दिन देखते, जब जरूरत पड़ी तब ये खड़े रहते हैं। और अभी हमारी एकदम मतलब छुट्टी वाला टाइम बीत रहा है, तो बहुत सारी बातें जो मैं अपनी इनको बताती हूँ, ये मुझे बताते, उसमें से मैं कुछ सीख रही हूँ, ये कुछ सीख रहे हैं। तो माशाल्लाह वक्त बहुत अच्छा बीत रहा है। ड्राइवर का 2 बार फोन आ चुका है, तो इंशाल्लाह फिर चलते आगे। और आज मैंने अपने खुद की डिजाइन करी हुई साड़ी पहनी हूँ, कैसा लग रहा है बताना। और बहुत लाइट वाले मैंने ज्वेलरी पहनी हूँ, तो कमेंट के जरिए बताना कि मेरे पर ये कैसा लग रहा है। चलिए फिर निकलते हैं, मैं बता देती हूँ, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। थैंक यू। पौला को लेकर आई हूँ मैं टाटूडी शरीफ। और मैं जो बताया ना, मैं आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ क्या महसूस करी। मैं यहाँ पे जब पहला कदम रखी थी, तो बड़े पीर सरकार जो बगदाद जाते हैं ना, तो ये उनके घर आने से अच्छा। तो मैंने महसूस किया था कि मैंने यहाँ कदम रखी तो इंशाल्लाह मैं वहाँ जरूर जाऊंगी, और मैं जाकर आई तो बहुत यकीदा मेरा पक्का है, तो इसीलिए मैं आज लेकर। मैंने उनको क्या बोली कि आज मेरे बहुत मनपसंद जगह पे आपको ले जाती हूँ, तो इंशाल्लाह मैं लेकर आई उनको टाटू की शरीफ। चलिए आपको दिखाऊं ये, और ज़मीन तो ऐसे आग हो रही है और पैर है मेरे नंगे, तो इंशाल्लाह मैं पहले लेके जाती हूँ पौला को, और फिर इंशाल्लाह करते बाद में। वालेकुम अस्सलाम। हाँ एक मिनट है बेटा, ये अगरबत्ती और लुबान नहीं, अगरबत्ती और इत्र, जाइए आप जाइए अंदर, हमारे तरफ से पेश कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये है टाटूडी शरीफ के कासिम बगदादी, जिन पे मेरा यकीदा बहुत पक्का है, और एक नस्बत और एक मोहब्बत मेरी बहुत पक्की है। तो इंशाल्लाह आप ही जो चीज़ मांगोगे ना, मैं बोल सकती हूँ, गारंटी तो नहीं दे सकती हूँ, वो पूरी होगी ज़रूर, क्योंकि मैंने मांगे बिगर मेरे दिल की ख्वाहिश यहाँ पे पूरी हुई है। तो जजाक अल्लाह, बस जो भी आप यहाँ आके मांगो या ख्वाहिश रखो, ये ज़रूर पूरी करेंगे इंशाल्लाह। तो इसीलिए मैंने अपनी दोस्त को अपनी मनपसंद जगह पर लेकर आई हूँ।
आज माशाल्लाह हमारा जो दोपहर का खाना है वो है टाटू की शरीफ में, और अभी जस्ट बैठे हम खाना खाने के लिए। हमारे ड्राइवर साहब वहाँ खा रहे और हम दोनों फ्रेंड यहाँ खा रहे, और जो हमारे लिए दस्तरखान लगाए अल्लाह उनके दस्तरखान में हमेशा बरकत रखे। माशाल्लाह खाना खा के वहाँ से निकले, अब जा रहे सरवार की तरफ और बीच में खा रहे खाने के बाद मीठा। और ये मीठा लाने वाली है हमारी पौला, ये स्पेशल पूना का मीठा राजगिरी चिक्की। और ये मेरे दूसरा राउंड चल रही सरवार शरीफ अभी पहुँचे और बस अब जा रही हूँ अंदर की तरफ। और ये माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्लाह पाक ने ये मौका मुझे दिया है। यहाँ भी माशाल्लाह बहुत गर्दी है और अजमेर में भी आज बहुत गर्दी है। माशाल्लाह बहुत गर्दी, और यहाँ अभी चाहने वाले आए और सबको मैंने बोला रुको पहले मैं यहाँ पे ज़्यारत कर लूँ, उसके बाद आपको दूंगी सेल्फी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक पल की खुशी के लिए अल्लाह पाक ने मुझे इस सब लोगों के साथ जोड़ कर रखे। ये मेरा ठिकाना है, सालों से फेमस हुई उसके पहले और फेमस होने के बाद मेरा ठिकाना यही है। इनके सामने बैठती हूँ और ये है इनकी कदम पोशी, और मैं मेरे सरकार के यहाँ हो या कोई भी ज़्यारतों में मैं अंदर नहीं जाती हूँ, इस दहलीज से अपनी सलामी पेश करती हूँ, अपने जो पढ़ाई है वो पेश करती हूँ। तो इसीलिए हमेशा आप लोगों को मैं दरवाजे के बाहर खड़े रह के ज़्यारत कराती हूँ। माशाल्लाह सरवार शरीफ से कैसा लगा पहले ये बताओ आपको, यहाँ आके कैसा लगा? बहुत सुकून लगा ना। और माशाल्लाह मुझे पौला बता रहे थे कि झुक के जो हम सजदा करते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे अभी ये माथा टेकती है, तो कहते सायरा माथा टेकना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिससे जो अच्छी बात सीखे ना वो ज़रूर अपने अंदर लेना चाहिए। क्योंकि बोले जब हम घुटने टेकते हैं, हम अपने आप को टेकते हैं, तो हम हमारा ईगो जो हमारा गुस्सा होता है ना वो नीचे छोड़ते हैं। तो ये बात मुझे आज पौला ने बताई, और माशाल्लाह ये चीज़ें हमेशा हमें अपनी ज़िंदगी में जहाँ से जो चीज़ मिले और अच्छी है तो उसको शामिल करना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पौला को यहाँ लेकर आऊँ, और अल्लाह ने वो काम मुझसे लिए, आपको अच्छा लगा। और अल्लाह पाक बस ऐसी मुझे खिदमत का मौका दे, और ज़िंदगी में जैसा भी जो जिससे जुड़ा है बस मोहब्बत से जुड़ा है। अब यहाँ से हम जाएँगे अजमेर और बहुत सारा टाइम मेरे बिताएंगे सरकार के यहाँ इंशाल्लाह, है ना? तो बोलना बोलो, सदा खुश रहो, अच्छे रहो, और दुआएं। बहुत बहुत खुश है, अल्लाह ने जो पहचान मेरी दी है ना, उसकी वजह से जो लोग मेरे साथ मिलते हैं, फ़ोटो लेते हैं, दुआएं देते हैं, और मेरे बच्चों को पूछते हैं, मेरे शोहर को पूछते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी पूरी परिवार को लोग जानते और मोहब्बत करते। जज़ाक अल्लाह खैर, बस अल्लाह जैसी मुझे इज़्ज़त दी है दुनिया में, अल्लाह पाक सबको इज़्ज़त दे, और बस अल्लाह उनके अंदर वो हिम्मत और वो सब्र दे जो वो चीज़ पा सके। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं, इंशाल्लाह आगे का सफ़र शुरू करें। जैसे आते हुए कदम दिखाएं ऐसे बस जा रही हूँ इंशाल्लाह, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी खुशियाँ लेकर जा रही हूँ इंशाल्लाह। चलो निकल रही हूँ, जा रही, चलो जी अब निकल रही हूँ। और माशाल्लाह अभी भी चलते चलते भी लोग आके फोटो लिए, बैठ ही जाती हूँ बस फाइनली। गर्मी के वजह से हालत की बेहालत, और उसके साथ लोगों का इधर से चमेटना उधर से खींचना। अभी तो एक जन को मैंने बोला प्लीज आप इतना ऐसे कमर में हाथ डाल के इस तरीके से पकड़े, अब मैं हटूँ तो यहाँ से साड़ी खस के और मैं गुनहगार बन जाऊँ। तो मैंने उनको बोली, फिर मैं
बोलती नहीं हूँ, किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा लोगों को भी समझना चाहिए इन चीज़ों का कि जब ऐसे जगहों पे फोटो लेते हैं या फिर साथ में किसी से बात करवाते, थोड़ी सी जो तमीज़ होती है ना उसको भी साथ रखना चाहिए। अब रुके बीच में और टी टाइम हो गया ना, टी टाइम तो हम पी रहे चाय और हमारे ड्राइवर भी पी रहे बाहर चाय, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो इसीलिए हम अंदर बैठ के चाय पी रहे। और गर्मी से ज्यादा बाहर लोग ना चाय पीने देते हैं ना मुझे खड़े रहने देते, तो इसीलिए फिर मुझे पहला बोले पहले आप चाय पियो फिर उतरो नीचे, तो इंशाल्लाह फिर उतरूंगी नीचे। और है एक दो जन इशारे कर रहे तो उनसे मिलके फिर निकलते चाय के बाद टी टाइम। जैसे घर दुनिया भर पे घूम कर जब घर आते हो ना तो कितना रिलैक्स फील होता है ना, तो ऐसे ही जब आप कहीं अपने रूम में होटल पे जब जाते हो तो इसी तरीके से रिलैक्स फील होता है। और माशाल्लाह रूम काफ़ी अच्छा क्लीन कर गए और अभी हम दोनों थोड़े होंगे फ्रेश, उसके बाद कुछ हल्का वाला लेंगे डिनर और उसके बाद बहुत सारा वक्त बिताएंगे दरगाह में। क्या बोलते हो भोला? हाँ, ये बहुत मस्त नज़ारा है हमारे रूम से बाहर का, आना सागर दिखता है वहाँ पे और पूरी आबादी दिखती है, ग्रीनरी दिखती है और उसके साथ साथ दो सुंदर नारी दिखती है। तो कुछ लेकर आया वो शायद। हाँ, तो इंशाल्लाह पहले थोड़ा सा फ्रेश अप होती हूँ और देखती हूँ चेंज करती हूँ, साड़ी पहन कर तो नहीं जाऊंगी दरगाह, कुछ चेंज करती हूँ। फ्रेश अप तो कुछ हुए नहीं है हम दोनों, लेकिन हाँ मस्त बनाई है घर में यहीं अपने रूम में केटल में चाय और दोनों बैठ के चाय एंजॉय कर रहे और नज़ारा देख रहे हो कितना खूबसूरत नज़ारा, इतना खूबसूरत। और उसी के साथ में पूना वाले चिवड़ा और अजमेर वाली चाय बनाने वाले बंगाल और बेंगलोर दोनों मिक्स। बीबी 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 बिग बॉस कितना मजा आता है यार, मैंने कितने सालों के बाद ये एहसास करी हूँ कि दोस्तों के साथ कहीं जाने से हाँ ये होना चाहिए कि उनकी भी और आपकी सोच मिलती जुलती हो, एक जैसी तो कभी हो नहीं सकती बट थोड़ी मिलती जुलती हो और आप वो दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय कर सके वो होना चाहिए। जो बहुत मजा का साइट दिखाओ कितना सुंदर बढ़िया साइट है, ग्लिमरिंग लाइट्स है ना, बहुत सुंदर ग्लिमरिंग शिमरिंग। चाय पीने कितनी मजा आ रही है यार, कितना मस्त हम दोनों बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर रहे। और अभी मैं व्लॉग भी यहीं खत्म करूंगी क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में हम थोड़ा कुछ अलग करें ना, तो अभी काफी मुझे दिखा रहा था कि आज मैं पौला को लेकर गई सरवार शरीफ, उसी के साथ हम गए टाटूटी शरीफ और माशाल्लाह हमने वहाँ पे खाना भी खाया, उनके हाथ का खाना भी खाया और बहुत अच्छी ब्लेसिंग भी करी इन्होंने, बहुत दुआ करी और हमको जो वहाँ पे डोनेशन करना था वो भी करे। और उसके साथ साथ इतना अच्छा वक्त बीता, इतनी अच्छी जो वाइब्स मिलनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, अल्लाह ने हमें वो अता किया। और तुम्हारे कितने फैंस मिले? वो तो गरीब नवाज का तोहफा है, मेरे सारे फैंस मिले, इतने फैंस की प्यार। हाँ, तो वो तो गरीब नवाज का तोहफा है मेरे लिए। तो बस ये सब चीजों के साथ में अभी मैं व्लॉग यहीं पे एंड करूंगी और फिर उसके बाद फ्रेश होएंगे, चेंज करेंगे और बहुत सारा वक्त जो है क्योंकि मैं तो करती हूँ और मुझे ये अच्छा लगा कि पौला को भी अच्छा लग रहा है वहाँ वक्त बिताने के लिए। पौला तो बिल्कुल एक ऐसा लफ्ज भी नहीं बोले कि चलो सायरा जाते हैं। कल हम कम से कम 3 से 4 घंटा थे ना, 4 घंटा थे, ज्यादा थे, उससे भी ज्यादा थे। जैसे हम 4 घंटा तक तो बैठे थे और निकलने लगे तो दुआ शुरू हो गई, तो 1-1.5 घंटा और चला गया हमारा, काफी अच्छा वक्त बीता। बस गरीब नवाज से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा चाहे जैसा भी वक्त हो बस कहीं ना कहीं से आपकी जिंदगी में खुशियां आए और आप जैसा मैं हर हाल में खुश रहती हूँ और दुखी भी रहती हूँ तो आप लोगों के सामने ये बयान करती हूँ कि हमेशा हर हाल में खुश रहा कीजिए। तो बस ये दुआ करती हूँ दिल से कि आप लोग भी हमेशा हर हाल में खुश रहो और जिससे आप प्यार करते हो अल्लाह पाक वो उनका प्यार भी आपकी जिंदगी में नसीब करे। अल्लाह हाफिज़।